आज हम लोग फिर रात 11 बजे के अपने फेसबुक क्विज से आज फिर जुड़ गए हैं। और अब जैसा हम लोग आपस में बातचीत करके अभी तक काशी क्विज काफ़ी दिनों तक चला, अब हम लोगों ने पूरे देश के लिए ये क्विज को ओपन कर दिया है। कैलाश भट्ट जी, सादर नमस्कार। गोविंद चतुर्वेदी जी, रामेंद्र कुमार जी, मनीष पांडे जी, बहुत बहुत सादर सबको अभिनंदन प्रणाम। बनारस में खुद ही बहुत जगह ऐसी अलौकिक है जहाँ अभी काशी क्विज पहुँच नहीं पाई, और अभी हम लोग पूरे देश की तरफ निकल गए हैं। तो समय समय पर हम लोग बनारस को भी बीच बीच में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे और देश की बातें भी होती रहेंगी। अब आज के लिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे महान शिक्षक थे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और देश के राष्ट्रपति भी हुए। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कौन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति थे जो बाद में देश के राष्ट्रपति हुए? गोपाल मिश्रा जी, आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष श्रीवास्तव जी, प्रशांत भी आ गए हैं, विश्वनाथ कुमार जी आ गए, पंडित आशीष पांडे, बिल्कुल सही कहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और इनके जन्मदिन पर हम लोग पूरे देश में टीचर्स डे मनाते हैं, और टीचर्स डे मना करके पूरे देश में हम लोग भगवान की तरह टीचर्स की पूजा करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल सही कहे। फिल्म एक बनी थी जिसको रिचर्ड एंटनबरो ने बनाई थी, उसको पूरे देश ने अपने सर आंखों पर उठाया और उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। रिचर्ड एंटनबरो की बनी इस महान फिल्म का नाम बताइए। राजीव मोहन शर्मा जी नमस्कार, कन्हैया दुबे जी नमस्कार। वो कौन सी महान फिल्म थी जिसे रिचर्ड एंटनबरो ने बनाई थी और उसे नोबेल प्राइज, जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था, और पूरे देश में और दुनिया में इस फिल्म ने धूम मचाई थी? वाचस्पति उपाध्याय जी भी आ गए हैं, किरण मनी जी आ गए हैं, विनय दुबे जी आ गए हैं, गरिमा जी आ गए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल ठीक है। अब अगला प्रश्न बताइए। बिल्कुल सही कहे विभु शरीन जी ने, बिल्कुल सही कहा। महेश उपाध्याय जी ने बिल्कुल सही कहा। आशु पांडे जी ने सही कहा। गांधी फिल्म, पंडित आशीष पांडे ने बिल्कुल सही कहा। हिमांशु राज ने बिल्कुल सही कहा, गांधी फिल्म थी वो। अखिलेश सिंह जी ने सही कहा। आशुतोष श्रीवास्तव जी ने सही कहा, गांधी फिल्म थी। और अब आपको ये बताना है कि गांधी फिल्म में गांधी जी का रोल किसने किया था और नेहरू जी का रोल किसने किया था? ये दो किरदार आपको बताना है। गांधी जी का फिल्म किसने किया और नेहरू जी का रोल किसने किया?
एक बहुत प्रमुख फिल्म डायरेक्टर शेरोन जी भी जुड़ गई हैं, तो वेलकम आपको भी, और डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। गांधी फिल्म में गांधी का रोल किसने किया और नेहरू जी का रोल किसने किया? बिल्कुल विनय दुबे जी, फिल्म का नाम गांधी है। डॉक्टर विवेक दीक्षित जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो विवेक जी, गांधी फिल्म में महात्मा गांधी का रोल किसने किया था और नेहरू जी का रोल किसने किया था? बिल्कुल सही कहा, गांधी जी का रोल किया था बेन किंग्सले। आदित्य रंजन मालवी जी कह रहे हैं बेन किंग्सले, नहीं महेश जी, वो बेन किंग्सले थे। और राजेश जौहरी जी ने बिल्कुल सही बताया, नेहरू जी का फिल्म रोल किया था रोशन पटेल ने। विभू शरीन जी ने सही बताया, बेन किंग्सले रोशन पटेल, बेन किंग्सले गांधी जी। निशांत दुबे जी भी कह रहे हैं, यतीन नाथ जी रिचर्ड एब्रो नहीं थे, रिचर्ड एंटेब्रो वो फिल्म उन्होंने बनाया था। अजितेश सिंह जी बिल्कुल सही कहे, आशु पांडे जी बिल्कुल सही कहे, रोशन सेठ, बेन किंग्सले एज गांधी और रोशन पटेल एज नेहरू जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे ही एक और बहुत ही मशहूर फिल्म भारत में बनी थी जिसने 7 ऑस्कर अवार्ड जीता, उस फिल्म का क्या नाम है? लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान जी भी आ गए हैं, डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कहे, रोशन शेठ जी, अफसर खान जी भी आ गए हैं, वाचस्पति उपाध्याय गए। ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसने 7 अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जीता, वो कौन सी फिल्म थी और उसकी फिल्म के जुड़े कुछ बातें हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल शैलेश तिवारी सादर प्रणाम, अनुराधा जी कह रहे हैं रोशन सेठ नेहरू जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्वती पांडे बेन किंग्सले रोशन सेठ, बिल्कुल ठीक। आशु पांडे जी ने बिल्कुल सही बताया, इस्लम डॉग मिलेनियर, इस्लम डॉग मिलेनियर पूरे विश्व में इसने तहलका मचाया। और इसमें अजितेश सिंह जी ने सही कहा, पंकज सिंह सादर प्रणाम, ऋतिक जैन जी ने सही कहा इस्लम डॉग मिलेनियर, प्रशांत मिश्रा, विनय वर्मा, आशुतोष श्रीवास्तव, प्रवीण तिवारी, सब कोई कह रहे हैं स्लम डॉग मिलेनियर। पंडित आशीष पांडे, हिमांशु राज, बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया राज जी, आपका पोस्ट भी हमने पढ़ा था, देखा था। राम प्रकाश सिंह, अखिलेश सिंह ने सही कहा, गोविंद चंद्र लगान नहीं थी वो स्लम डॉग मिलेनियर थी। तो अगला प्रश्न स्लम डॉग मिलेनियर से ये है कि उसमें स्लम डॉग मिलेनियर में एक छोटा बच्चा एक फिल्म एक्टर को देखने के लिए बाथरूम के थ्रू वॉशरूम के टंकी में कूद के जाके उस फिल्म एक्टर से मिला था, वो कौन से फिल्म एक्टर थे जिनको स्लम डॉग मिलेनियर का एक छोटा जो बच्चा किरदार था वो बाथरूम के टंकी में चट्टी में ही कूद गया था और जाके फिर उसने ऑटोग्राफ लिया? पीपी आनंद मिश्रा जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप कह रहे थे फेसबुक छोड़ने के लिए, ऐसा मत करिए, लोगों से कष्ट हो सकता है, फेसबुक से क्या कष्ट है, फेसबुक से जुड़े रहिए। बिल्कुल सही कहे, मनीष पांडे जी ने सही कहा अमिताभ बच्चन, और पीपी आनंद मिश्रा जी ने भी सही कहा अमिताभ बच्चन, गोविंद गौड़ जी अध्यक्षता जी ने सही कहा अमिताभ बच्चन, हिमांशु राज ने सही कहा अमिताभ बच्चन, वैभव पांडे, प्रशांत मिश्रा, अजितेश सिंह, मनीष पांडे, महेश उपाध्याय, पंडित आशीष पांडे, सब ने सही कहा अमिताभ बच्चन, बिल्कुल ठीक कहा। प्रवीण तिवारी, गरिमा रघुवंशी, मनीष पांडे, बिल्कुल ठीक कहे, बिल्कुल। सुधीर त्रिपाठी, बिल्कुल ठीक कहे। रत्नेश उपाध्याय, अनिल कपूर कह रहे नहीं ये गलत आंसर है, अनिल कपूर से नहीं मिलने कूदा था,
वो अमिताभ बच्चन जी से मिलने कूदा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद कन्हैया दुबे जी, केडी जी, 20वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान राजापुर, अनिल कपूर नहीं था, वो अच्छे से पता है, अनिल कपूर नहीं था, वो अमिताभ बच्चन के लिए कूदा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बहुत ही मशहूर गाना है, चल छैया 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 छैया, ये गाना किसने गाया है? बिल्कुल पार्वती पांडेन सही कहा, जमाल मलिक लड़के का नाम था, अमिताभ बच्चन से देखा था। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पीपी आनंद मिश्रा जी। नवरत्न तेल वाले अमिताभ बच्चन जी। अजितेश सिंह जी कह रहे हैं सुखविंदर सिंह जी ने गाया था, और कोई? आदित्य रंजन मालवी जी कह रहे हैं सुखविंदर सिंह गाए थे, पीपी आनंद मिश्रा जी कह रहे हैं सुखविंदर सिंह गाए थे, सेतुपति त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, विवेक दीक्षित जी, डॉक्टर विवेक दीक्षित जी कह रहे हैं सतविंदर सिंह, रत्नेश उपाध्याय जी कह रहे हैं ए आर रहमान, महादेव विनय जी कह रहे हैं सुखविंदर सिंह, कैलाश भट्ट जी कह रहे हैं सुखविंदर सिंह। बिल्कुल, तो सुखविंदर सिंह, बिल्कुल विभू शरीन जी सुखविंदर सिंह ने गाया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सपना अवस्थी, सतीश वाले सपना अवस्थी कह रहे हैं, तो फिर ठीक है, तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारतवर्ष में बक्सर में कौन सी मुनि का आश्रम था? बक्सर में कौन सी मुनि का आश्रम था? रामायण अभी आप लोगों ने देखा होगा, कौन सी मुनि का आश्रम बक्सर में था? कपिल मुनि का आश्रम नहीं था? नहीं, बक्सर में कौन से मुनि का आश्रम था? कपिल मुनि नहीं, नहीं कपिल मुनि नहीं। बक्सर वाला मामा जी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आदित्य रंजन मालवी जी ने, बिल्कुल ठीक कहा। विश्वमित्र स्वामी विश्वामित्र जी की आश्रम थी वहाँ, और वासुदेव उपाध्याय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बताओ। बिल्कुल ठीक है, विश्वामित्र जी की आश्रम थी, और विश्वामित्र जी जब वहाँ दोनों राजकुमारों को लेके गए थे, तो उससे पहले उन्होंने किसी का उद्धार किया था। उन्होंने किसका उद्धार भगवान राम से कराया था? बिल्कुल ठीक है गरिमा रघुवंशी जी, विश्वामित्र, विश्वामित्र जी ने कौन से, किसका उद्धार भगवान राम से कराया? रजत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मय देश पांडे जी भी विश्वामित्र कह रहे हैं, वैभव पांडे कह रहे हैं ताड़का, ताड़का का उद्धार नहीं कराया। देवेंद्र दास देव दिया स्वामी जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पीपी आनंद मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अहिल्या का उद्धार कराया, अहिल्या का उद्धार कराया, और अहिल्या के उद्धार से वो नारी बन गई अहिल्या बाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अहिल्या नारी बन गई। महेश उपाध्याय जी बिल्कुल ठीक है, प्रशांत सही बताए, सतीश वर्मा ने सही बताया, गोपाल मिश्रा जी ने सही बताया। बिल्कुल ठीक कहा, अहिल्या का उद्धार हुआ। बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल अहिल्या का उद्धार हुआ। भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ एक बाबा जी की पूजा मिलिट्री करती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी उनका मंदिर है और उनका पूजा उसी तरह होता है जैसे वो बाबा जिंदा हों। मिलिट्री उनके 2 महीने की छुट्टी देती है, वो ट्रेन से अपने गांव जाते हैं, जबकि ऐसा पता है कि लगभग 1960 के दशक में उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो कौन सा मंदिर है, वो कौन से बाबा जी हैं, क्या स्टोरी है? अफसर खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो कौन सी स्टोरी है जो सेना हर साल, बिल्कुल सही कहा प्रशांत मिश्रा ने, बिल्कुल ठीक कहा, बाबा हरभजन सिंह। बाबा हरभजन सिंह, बिल्कुल आदित्य रंजन मालवीय जी ने सही कहा, बाबा हरभजन सिंह। रामेंद्र कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाथुला पास के पास है, सिक्किम में बाबा हरभजन सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान जी ने बताया। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ज्योति मिश्रा राका जी भी आ गए हैं, बाबा हरभजन सिंह सिक्किम नाथुला पास। इनके बारे में आपके पास क्या जानकारी है, बाबा हरभजन सिंह जी के बारे में, बाबा हरभजन सिंह जी के बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल ठीक है, बाबा हरभजन सिंह, गोपाल मिश्रा जी ने सही कहा, बाबा हरभजन सिंह बिल्कुल ठीक है। और चूंकि मिलिट्री के भी काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, महेश उपाध्याय जी ने सही कहा, पंडित आशीष पांडे जी ने सही कहा, वाचस्पति उपाध्याय जी बिल्कुल ठीक कहा, बाबा हरभजन सिंह बिल्कुल ठीक है, बाबा हरभजन सिंह ठीक है। बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों को पता है बाबा हरभजन सिंह जी के बारे में, बिल्कुल ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज हीरो ऑफ नाथुला पास, आदित्य रंजन मालवीय जी कह रहे हैं नाथुला पास, बिल्कुल ठीक है, बाबा हरभजन सिंह ऐड देता है सर, बिल्कुल ठीक है। भारत के किस हिस्से को चिकन नेक कहते हैं? चिकन नेक, भारत के किस हिस्से को चिकन नेक कहते हैं, मुर्गी का गला, चिकन नेक बताओ, भारत के किस हिस्से को चिकन नेक कहते हैं? हाँ चिकन नेक किसको कहते हैं? भारत के किस हिस्से को चिकन नेक कहते हैं? बिल्कुल सही कहा कैलाश भट्टर जी ने, हीरो ऑफ नाथुला थे, पंजाब रेजिमेंट में सिपाही थे, बिल्कुल ठीक है। सुना है वह आज भी ड्यूटी देते हैं हरभजन सिंह जी, बिल्कुल सही कहे, बाबा हरभजन 1962 के शहीद हुए थे, बिल्कुल ठीक है। आदित्य रंजन मालवीय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ज्वाइनिंग आसाम विथ इंडिया, आशु पांडे ने सही कहा, आसाम, महेश उपाध्याय का सिलीगुड़ी ना, बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही आंसर दिया आदित्य रंजन मालवीय जी ने। भारत के उस हिस्से को चिकन नेक कहते हैं जो आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है। और श्रवण ठीक कहा आपने कि जो नॉर्थ ईस्ट को जो जोड़ता है वो, क्या किसी को पता है कि वो कितने किलोमीटर चौड़ा है? बहुत छोटा चौड़ा है, जिसको चिकन नेक कहते हैं वो बहुत कम चौड़ा है। हमारे टोपी दे देना, चालू हो गया पहना दो, अच्छा तो बंद कर दो उसको। नक्सल बाड़ी सिलीगुड़ी के एरिया को शायद, बिल्कुल ठीक है, 11 किलोमीटर नहीं 22 किलोमीटर, उमा दुबे जी ने सही कहा,
22 किलोमीटर चौड़ा है भैया, इट्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा वो एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं चिकन नेक ऑफ इंडिया। और बिल्कुल सही कहे गरिमा रघुवंशी जी ने, पंडित आशीष पांडे जी ने, सूर्य प्रकाश पांडे जी आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। विवेक दीक्षित 14 नहीं 22 किलोमीटर, बिल्कुल सही कहे 22 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 22 किलोमीटर चौड़ा है। गोविंद चौधरी 18 नहीं 22, बिल्कुल ठीक है। भारत में तिश्ता नदी कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक बहती है? तिश्ता, भारत में तिश्ता नदी कहाँ है? तिश्ता नदी कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक बहती है? बिल्कुल 22 किलोमीटर्स, बिल्कुल यू आर ट्रू 22 किलोमीटर्स। वेयर इज तिश्ता रिवर इन इंडिया? विभूषरीन जी आसाम में नहीं है, बिल्कुल सही कहे। ईशान राजप्रभु जी ने सिक्किम में है, बिल्कुल ठीक कहे। पंकज सिंह भी कह रहे हैं सिक्किम में है। आदित्य रंजन मालवी जी बता रहे हैं हिमालय से निकलती है बांग्लादेश तक जाती है। और कुछ, बिल्कुल महेश उपाध्याय जी सिक्किम में हैं। अनवेश भट्ट जी भी कह रहे हैं सिक्किम में है। सिक्किम टू वेस्ट बंगाल, बिल्कुल ठीक है। गरिमा जी ने कहा सिक्किम टू वेस्ट बंगाल, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश पांडे जी। उमा दुबे जी जेएनके में नहीं है, ये सिक्किम से वेस्ट बंगाल निकल जाती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएचयू के मेडिकल कॉलेज, बीएचयू के मेडिकल कॉलेज जो जिसको हम लोग चिकित्सा विज्ञान संस्थान कहते हैं, उसके उस विद्यार्थी का नाम बताइए जो वर्तमान में सीनियर आईएएस है और उत्तर प्रदेश का चिकित्सा सचिव है, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, सीनियर आईएएस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट, उनका नाम बताइए। और उनके पिता भी बीएचयू में सीनियर प्रोफेसर थे, बहुत मूर्धन्य विद्वान, उनका नाम भी बताइए। वर्तमान हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ आईएमएस बीएचयू, बिल्कुल ठीक कहा विभूषरीन जी ने। डॉक्टर रजनीश दुबे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट थे, उनके फादर का नाम बताइए। अवनीश अवस्थी जी नहीं हैं, वाचस्पति उपाध्याय ने सही बताया, पंडित आशीष पांडे ने सही कहा, अजितेश सिंह जी ने सही कहा। विभूषरीन जी प्रोफेसर पी दुबे नहीं थे, कोई दूसरा नाम तो बताइए, बिल्कुल ठीक है। महेश उपाध्याय डॉक्टर रजनीश दुबे, उनके फादर क्या नाम था? कृष्णा दुबे जी ने सही कहा, रजनीश दुबे, बिल्कुल रजनीश दुबे, डॉक्टर रजनीश दुबे, उनके फादर क्या नाम था? शैलेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं जयप्रकाश दुबे नाम नहीं था, शैलेश जी ने सही कहा, डॉक्टर रनीश दुबे, बिल्कुल ठीक है। इंदुभूषण शर्मा जी, डॉक्टर रनीश दुबे, निखिल राय साहब, हिमांशु राजी, जेपी दुबे नहीं था। तो मैं बता देता हूँ, उनके हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक मिश्र शाखा जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, आपका स्वागत है। जैन दुबे साहब भी नाम नहीं था, उनके फादर का नाम था प्रोफेसर बी दुबे, प्रोफेसर बी दुबे पैथोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर थे। और उनके यशस्वी पुत्र डॉक्टर रजनीश दुबे जो हम लोगों के सीनियर थे और इस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी हैं और कोरोना से लड़ाई में अग्रणी रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। 3 दिन पहले
गोरखपुर के एक एसडीएम का बहुत नाम हुआ, जिन्होंने वहाँ पूरे सेक्टर वाइज बांट करके जगह जगह राशन डिस्ट्रीब्यूट कराई और उससे इस लॉकडाउन में भी पूरे गोरखपुर में उनका जो फूड सप्लाई चेन था पूरा सफल रहा। उस एसडीएम, उस आईएएस का नाम बताइए। अभी 3 दिन पहले उनका नाम पूरे देश के अखबारों में छपा था और कुछ दिन पहले वो बनारस में भी पोस्टेड थे। बिल्कुल सही कहा आदित्य रंजन मालवीय जी ने, बिल्कुल ठीक कहा। गौरव सिंह, पूरा नाम बताइए। जयप्रकाश दुबे नहीं थे, नहीं। वाचस्पति उपाध्याय जी, गौरव सिंह, पूरा नाम बताइए। वो एक ऐसे आईएएस हैं जो पहले आईपीएस भी रहे फिर आईएएस हो गए। बिल्कुल सही कहे आदित्य रंजन मालवीय जी। गौरव सिंह सुगरवाल, गौरव सिंह सुगरवाल उनका नाम था। और बिल्कुल ठीक कहे पंडित आशीष पांडे जी, पीपी आनंद मिश्रा जी, संदीप श्रीवास्तव जी, गौरव सिंह सुगरवाल। बिल्कुल ठीक है प्रशांत मिश्रा जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी। पूरे देश में उनका नाम हुआ कि इतना बढ़िया फूड चेन सप्लाई, ये बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया और एक अच्छा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया पूरे देश विदेश में। आदित्य रंजन मालवीय जी, आपको अगर आप गोरखपुर के हैं, आपको अगर गौरव सिंह सोहरवाल जी से मुलाकात हो तो ज़रूर कहिए कि डॉक्टर वी एन मिश्रा जी आपके बारे में पूछ रहे थे। बिल्कुल हम लोगों के दोस्त हैं सर, बिल्कुल बताइएगा। गौरव सिंह सोहरवाल बहुत ही ब्रिलियंट अफसर जो पहले आईपीएस थे फिर आईएएस हुए और उनके कार्य बहुत ही फेमस रहे चारों तरफ। गौरव सिंह सोहरवाल बिल्कुल ठीक है। नवल किशोर मिश्रा बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न इस समय के रिलेटेड टॉपिक से, सब कोई कहता है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। अभी कोरोना किस प्रकार का वायरस है? डीएनए वायरस है कि आरएनए वायरस है कि क्या, किस तरह का वायरस है ये? बिल्कुल आदित्य रंजन मालवीय जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आरएनए वायरस है। बिल्कुल विवेक दीक्षित जी ने सही कहा, आरएनए वायरस है। इट इज़ आरएनए वायरस। महेश उपाध्याय जी, विकास यादव जी कह रहे हैं आरएनए वायरस, मनीष पांडे जी कह रहे हैं आरएनए वायरस, विभू शरीन जी भी कह रहे हैं आरएनए। तो क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस का उतना प्रभाव भारत में क्यों नहीं दिख पा रहा जितना पूरे पश्चिमी देशों में दिखा? इसके दो प्रमुख कारण क्या क्या हैं? कोरोना वायरस का जो प्रलयंकारी प्रभाव था वो भारत में क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्या ऐसा भारत में अलग है जो इस तरह का प्रभाव नहीं दिख पा रहा है? ऐसी थोड़ा हमको पानी देना, आधा आधा मिला। ऐसा क्या है कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं दिख पा रहा है? आप सबसे अनुरोध, कृपया खूब शेयर करिए इस वीडियो, खूब शेयर करेंगे तो और जगह तक जाएगा। आदित्य रंजन मालवीय जी के सिंगल म्यूटेशन वायरस इन इंडिया, ये छोटा आंसर है। बिल्कुल सही आंसर दिया ईशान राजप्रभु जी ने, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ बीसीजी। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बीसीजी वैक्सीनेशन से इम्यून सिस्टम और तेज हो गया है। रामेन जी कह रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड समर। समर से कोई लेना देना नहीं है, लॉकडाउन से काफ़ी असर हम लोगों ने गेन किया है, लेकिन सही आंसर है बीसीजी वैक्सीनेशन और मलेरिया वैक्सीनेशन। मलेरिया का जो रोग हुआ इससे बहुत ही इम्यून सिस्टम इंडियन में स्ट्रांग पाया गया। यही एक रीज़न है कि इंडिया में अभी तक कोरोना का जो प्रभाव होना था, अपार्ट फ्रॉम लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इंडिया की इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है और इसीलिए बहुत ही यहाँ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है। हम लोग साथ मध्य प्रदेश के सीनियर अफसर आईपीएस अफसर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। वेलकम राकेश जी। तो इम्यून सिस्टम यहाँ का बहुत मजबूत है
और इसी इम्यून सिस्टम के कारण एक तो BCG वैक्सीनेशन, दूसरा मलेरिया का बहुत यहाँ इन्फेक्शन और उसकी दवाइयाँ बहुत लोगों ने खाई, तो दे आर द टू रीज़न जिससे कोरोना से फाइट करने की शक्ति हमारी बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, इंडिया में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। इंडिया रिलेटिवली यंग कंट्री है। यूरोप में, अमेरिका में ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ ओल्ड एज में जो इन्फेक्शन हुआ उससे वहाँ डेथ्स बहुत हुई, जो कि इंडिया में रिलेटिवली कम हुई। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो काम किया कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराया, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पूरे देश के लिए था और इससे हम लोग एक नया शुरुआत करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा। आज के दो क्वेश्चन और बचे हैं, तो दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, भारत में एक बहुत बड़ा समिट हुआ था पड़ोसी देश के साथ, जिसमें भारत की तरफ से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा राष्ट्राध्यक्ष कौन था और वो शहर कौन सा था? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी ने ज्वाइन कर लिया है। वेलकम डॉक्टर जगन्नाथ। बिल्कुल राज भैया, राज प्लाज्मा थेरेपी अभी काम में आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कौन सा शहर था जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बिल्कुल ठीक कहा आदित्य रंजन मालवीय जी ने, इंडो पाक समिट, बिल्कुल ठीक है महेश उपाध्याय जी ने सही कहा, आगरा में मुशर्रफ के साथ मुलाकात थी आगरा में, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान वॉज द अदर नेशन, आगरा में समिट हुआ था और वो फेल हो गया। उसके फेल होने के बहुत कारण रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो मीटिंग फेल हो गई। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आज का, यमुना नदी जो कि दिल्ली मथुरा होते हुए इलाहाबाद में आके गंगा मिलती हैं, वो किसकी बहन है? विकास दीक्षित जी नमस्कार। यमुना नदी किसकी बहन है? यमुना नदी कहाँ से निकलती हैं? और यमुना नदी किस मुख्य शहर को होके जाती हैं? बिल्कुल विवेक दीक्षित जी ने बिल्कुल ठीक कहा। यमराज की बहन थी, यम की बहन थी, और महादेव विनय जी ने सही कहा, पंडित आशीष पांडे ने सही कहा। माँ गंगा की बहन नहीं थी, यमराज की बहन थी। विवेक दीक्षित जी ने कहा तल्ला हरियाणा कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से उद्गम है यमुना नदी का? कहाँ तुम थे? यम, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यम ताप्ती नहीं, नहीं सरस्वती नहीं, कहाँ से इनका उद्गम है यमुना नदी का? गंगोत्री के गोमुख से, नहीं गलत है, यमराज की बहन है, बिल्कुल सही कहे, सिस्टर ऑफ यम, बिल्कुल ठीक कहे। अमन कबीर जी भी देख रहे हैं, वेलकम अमन जी। अमन जी बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, ठीक है। कानपुर क्रॉस करती यम की बहन है, कहाँ से इनका उद्गम है? यमराज हरियाणा दिल्ली होकर निकलती हैं, बिल्कुल ठीक है। मनोज पांडे जी ने बिल्कुल ठीक कहा, यमुनोत्री से निकलती हैं, और विभू शरीन जी ने सही कहा यमुनोत्री, बिल्कुल ठीक है। महेश उपाध्याय बिल्कुल ठीक कहा, यमुनोत्री से निकलती हैं। अफसर खान जी गंगोत्री से निकलती हैं, यमुनोत्री से निकलती हैं,
प्रशांत मिश्रा जी ने भी सही कहा, यमुनोत्री। कैलाश भट्टर जी ने सही कहा, सिस्टर ऑफ यम, ऑल्सो नोन एज यमी। बिल्कुल ठीक है। हिमांशु, बहुत बहुत तुमको सादर आशीर्वाद। यमुनोत्री से निकलती हैं और जितने लोग भी घाट वॉकर, जितने लोग भी क्विज में पार्ट लेते हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है, कृपया एक ग्रुप हम लोग बनाएंगे क्विज के सारे लोगों का, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग सब जरूर साथ में घाट वॉक करेंगे। और ऐसा हमारे सारे घाट वॉक विश्वविद्यालय के जो डीन साहब हैं प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ला जी, उनका भी इंस्ट्रक्शन है कि उत्तर कोरोना में हम सब लोग वॉक करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा कैलाश भट्टर जी ने, यमुनोत्री से, अजितेश सिंह यमुनोत्री से, पी पी आनंद मिश्रा जी, पंकज सिंह, परव मुशरफ, तृप्ति, अंकित और सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और फिर कल हम लोग मिलेंगे इसी समय। बहुत बहुत सादर धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।